नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। तो देखा आपने भारी बारिश ने किस तरह हिमाचल प्रदेश में अपना कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित भाग सुनाग में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। धर्मशाला में बादल फटने से इतनी बाढ़ आ गई कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में बह गई। कुदरत का ये भयंकर रूप देखकर लोग सहम गए। बीती रात से ही हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के सीजन की पहली ही बारिश ने कांगड़ा में जमकर कहर बरपाया। सुबह करीब 8 बजे पर्यटन स्थल मैक्लॉडगंज के भाग सुनाग से ऊपर एक नाले ने अपना रुख बदल लिया। नाला डाइवर्ट होने के कारण भाग सुनाग मंदिर मार्ग पर स्थित पार्किंग की तरफ पानी बहने लगा और वहाँ पार्किंग के साथ ही कारें और कई बाइक बह गई। इसके अलावा भाग सुनाग स्कूल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पानी के बहाव के चलते वहां साथ में लगे होटल भी पानी से लबालब हो गए। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से भारी बारिश हो रही है और ये सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी रहा। भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हो गया। नदी नाले उफान पर हैं, इसके साथ ही मांझी खड्ड भी पूरी तरह से उफान पर है। उफान में चल रही मांझी खड्ड से चित्तौड़ स्थित अन्य राज्यों में लोगों की झुग्गियां भी बहाती हैं। राज्य में भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। शिमला के पास रामपुर एरिया में झाकरी के पास नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया, जिसके कारण रास्ता बंद करना पड़ा। रोड जाम होने से वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।